बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामे। आज 31 अगस्त 2021 और आप अपना YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद अशरफ साहिबजादा। बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, ये देखते हैं कौन साहब हैं और क्या पूछ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो उसके लिए कोई स्प्रे अगर आए हुए हैं ताकि ज़्यादा फूल से फूल लगे और अगर इस तरह की कोई स्प्रे वगैरह है तो मुझे उनके नाम वगैरह जो है ना वो डिटेल में सेंड कर दें। डिटेल में सेंड, मैं आपका नौकर थोड़ा ही हूँ, अब कहाँ मैं आपको सेंड करूँ। मैं सेंड नहीं, मैं आपको प्रोग्राम अभी आपको दे रहा हूँ, आपका मैं नौकर तो हूँ ही, सेंड नहीं कहते मेरे बेटा। अगर आपको इतना ही हुक्म करने का है तो मैं सेंड भी कर दूंगा आपको, बेहतर है कि आप सुने और मेरी चीजें नोट कर लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के सेंड करूं। तो प्लीज आप नहीं है तो वॉइस मैसेज मेरा देख लें, और वॉइस मैसेज नहीं सुन सकते तो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरा, आप उस पर प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला इसका दिया होगा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बहरहाल सेंड नहीं मैं कर सकता आपको, मेरी जान ये आपको मायूसी होगी कि मैं आपको सेंड नहीं कर सकता, मैं लिख के नहीं सारी चीजें दे सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतने लोगों की कॉल्स हैं, वॉइस मैसेजेस हैं। बहरहाल अगर आप सुन सकते हैं तो सुने इसको, ये हमेशा जितने भी मूंग हो गई, माश हो गई, ये या जितने लेग्यूमिनस इसको क्रॉप्स कहते हैं, जो जिन पे फलियां लगती हैं, फलीदार अजनास, उनको हमेशा बायोजोट का एक हम सोइंग के टाइम पे सीड को ट्रीट करते हैं बायोजोट का, उसको कहते हैं जी बायो खाद का टीका लगाना, वो उसका मैंने दे दिया हुआ है कि कैसे आप सोइंग के टाइम पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल होती है। बाकी बाकी अगर कोई स्प्रे करना चाहता है, और उसके लिए चिलेटेड फॉर्म में बहुत सारे स्प्रेज मौजूद हैं, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो, और दूसरे मैक्रो भी होते हैं, लेकिन माइक्रो ज्यादातर होते हैं वो, आप आपको एक अलवरीद नाम का मिलेगा, वो स्प्रे कर लें, और या फिर आप एक और होगी उसको कहते हैं मल्टीसोल, मल्टीसोल ये सारे मून केमिकल्स वालों के हैं, तो मुख्तलिफ और भी कंपनियां हैं जो अपने ये चीजें बेचती हैं जिनमें चिलेटेड फॉर्म में ये स्प्रेज होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और लेकिन अगर आप खुद बना के करना चाहते हैं तो वो भी मैं फार्मूला दे देता हूँ, और खुद आप उसमें उन पे स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये फ्रूट प्लांट्स के लिए करवाता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं और स्प्रे करना चाहते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट ले लें, जिसको कलमी छोरा कहते हैं, पूरे एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 100 लीटर पानी में आप 2 किलो पोटाशियम नाइट्रेट डाल लें, जिंक सल्फेट उसमें 300 ग्राम डाल लें, कॉपर सल्फेट उसमें 300, ये कॉपर सल्फेट 200 ग्राम डाल लें, कॉपर सल्फेट समझते हैं ना, नीला तोता जिसको कहते हैं, और इसी तरह फेरस सल्फेट वो 200 ग्राम डाल लें, पोटाशियम परमैंगनेट ये जिसकी लाल दवा नहीं बनती, ये पोटाशियम परमैंगनेट ये 200 ग्राम ये डाल लें। मेरा ख्याल है आपके लिए इतना ही काफी है। कुछ लोग बोरिक भी मैं डलवाता हूँ, बोरिक एसिड वो 150 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के आप ये पूरे एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करें फूल ही फूल और खूब फ्रूट लगेंगे, उसको फल लगेगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें, आई एम सॉरी कि आई कांट राइट एंड सेंड यू, ये मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये आपको अगर आपके पास टाइम हो
तो इसको सुने, और ना हो तो मैं वीडियो की सूरत में अपलोड कर दूंगा, वो उसको देख लिया करें। और जब भी वॉइस मैसेज करें अपना नाम बताएं और जगह का नाम जरूर बताएं। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जिसने एक ऊंट या बकरी खयानत की तो वो क़यामत के दिन उसे उठाए आएगा, उठाए हुए आएगा। ये मसनद अहमद से मैं कोट कर रहा हूँ। फ़ीमान अल्लाह।